ज्ञान मंत्र होम रेमेडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज मैं बात करती हूँ कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। जन्माष्टमी का त्यौहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उत्सव में मनाया जाता है। हिंदू धर्म के मुताबिक भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी 11 और 12 अगस्त 2020 को मनाई जाएगी। कृष्ण जन्माष्टमी को कृष्णाष्टमी, गोकुलाष्टमी, अष्टमी रोहिणी, श्री कृष्ण जयंती भी कहते हैं। अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के अंत समय के आधार पर कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 2 संपूर्ण दिनों तक प्रचलित है। हिंदू ग्रंथ के अनुसार जो श्रद्धालु जन लगातार 2 दिनों तक व्रत करने में समर्थ नहीं है, वो जन्माष्टमी के अगले दिन ही सूर्योदय के पश्चात अपना व्रत तोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। अष्टमी तिथि 11 अगस्त को सुबह 9:06 से प्रारंभ हो जाएगी और 12 अगस्त को प्रातः 11:16 पर समाप्त हो जाएगी। वहीं रोहिणी नक्षत्र 13 अगस्त को प्रातः 3:27 से प्रारंभ होकर 14 अगस्त को प्रातः 5:22 पर समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं पूजा विधि के बारे में। इस दिन आपको स्नान ध्यान करने के बाद ही पूजा आरंभ करनी चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करने का विधान है। पूजा प्रारंभ करने से पूर्व भगवान को पंचामृत और गंगा जल से स्नान करवाएं। इसके बाद नए वस्त्र पहनाएं और श्रृंगार करें। भगवान को मिष्ठान में उनकी जितनी भी प्रिय चीज़ें हैं उनका भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद कृष्ण जी की आरती गाएं। तो यह थी पूजा विधि। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज्ञान मंत्रा होम रेमेडीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।